नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आज झांसी के बबीना ब्लॉक में समाजवादी पार्टी ने किसान पंचायत का आयोजन किया। इस आयोजन के जरिए किसानों को कृषि बिल को लेकर कई संदेश देने की कोशिश की गई। पदाधिकारियों ने अपनी अपनी बातें रखते हुए किसानों को समझाने का प्रयास किया। इस मौके पर युवा नेता वीरेंद्र प्रताप ने क्या कहा, यह आप भी सुने। एक किसान चौपाल का आह्वान किया था पूरे उत्तर प्रदेश में, उसी को लेकर हम जिले जिले में हर ब्लॉक में जाकर एक किसान पंचायत का आयोजन कर रहे हैं। उसमें मुख्य रूप से, चूंकि बुंदेलखंड का किसान बहुत पिछड़ा है और वो सही तरीके से जानकारी नहीं ले पा रहा कि किसान बिल में उसके विरोधी क्या क्या बिल पास होने जा रहे हैं, ये काला कानून जो लाया गया है बीजेपी सरकार द्वारा, उसमें किसानों की रीढ़ तोड़ी जा रही है, रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है। अगर आपको पता होगा कि आज 2 महीने से ज्यादा हो गए और पंजाब और हरियाणा के किसान जहां दिल्ली बॉर्डर पर अनशन पर बैठे हैं, इस बीजेपी सरकार के प्रधानमंत्री को चाहे गृह मंत्री जी को कहीं भी किसानों की कोई भी चिंता नहीं हो रही, उसी को लेकर आज हम पूरे बबीना ब्लॉक के किसानों को ये जागरूक करने आए हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर हम आपके बीच आए हैं और अगर किसानों का दुख दर्द कोई समझता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी समझते हैं। बॉर्डर पे बैठे हुए किसानों के लिए आपकी पार्टी का क्या योगदान है? मेरी हम लोग जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर बराबर काम कर रहे हैं किसानों के लिए। अगर आपको याद होगा कि जब हमारी पार्टी थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो बता दो पहली बार हिन्दुस्तान में हुआ था जहाँ 27,000 हेक्टेयर सूखा पे देने का काम किया था आदरणीय मुलायम सिंह यादव, जो हमेशा किसानों के हितैषी रहे। तो हमारी पार्टी तो हमेशा किसानों की हितैषी रही है। आपको और क्या लगता है, क्या सरकार किसानों की बात को मानेगी? देखिए, अगर ये बीजेपी वाले भूल गए हैं कि सरकार किसानों ने ही उनकी बनाई थी, उन्होंने जो वादे किए थे किसानों के बीच कि हम आपके फसल का मूल्य दोगुना कर देंगे, इसी के दम पर किसानों ने उनको वोट दिया था और सरकार बनाई थी। ये भूले मत कि आने वाले समय में किसान उनको उस गद्दी से नीचे जमीन में मिलाने का काम करेगा, उनको उस गद्दी से उतारने का काम करेगा। भाई हमारे बीच धन्यवाद।